हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है, देखिए मेरे चैनल पे आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा मैथ चल रहा है, क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ। क्लास 11 एग्रीकल्चर के मैथ में बेटा हमारी जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली चल रही है 10। प्रश्नावली 10 के अंतर्गत देखिए आपने क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक सॉल्व कर लिए। अब हम 10 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटे, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। तो बिना किसी देरी के करते हैं हम टॉपिक्स की शुरुआत। देखिए बेटे, ये टेबल्स वही वाली है जो पिछली वीडियो में आपको देखने को मिली। यहाँ से हम सभी के मान उठा उठा के फौरन से पहले क्वेश्चन में लगाएंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेटे हम करते हैं देखिए क्वेश्चन की शुरुआत। आपको बता दें, आज देखिए हम प्रश्नावली आज लेके चलेंगे 10 का 11वां क्वेश्चन, क्लियर? क्योंकि 10 क्वेश्चन बेटे हम सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्नावली 10 अभी सॉल्व करते हैं बेटे। प्रश्नावली 10 का 11वां क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिए। प्रश्नावली 10, चलिए देखिए क्वेश्चन को बेटा समझिए। क्वेश्चन आपका 10वां देखिए ये है, 10वां क्वेश्चन है साइन 60 बराबर 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। नहीं, 11वां क्वेश्चन था, सॉरी, 11वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि 10वां क्वेश्चन तो बेटे हम सॉल्व कर चुके हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दे रखा है बेटे, टेन 30 डिग्री बराबर टेन 60 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री अपॉन, ये दे रखा है 1 प्लस टेन 60 डिग्री और बेटा टेन 30 डिग्री। ये बेटे हमें सिद्ध करना है। क्या करना है हमें, ये सिद्ध करना है। देखिए इस क्वेश्चन को बेटे मैं दो तरह से आपको लगा के दिखाऊंगा। देखिए पहला तो ये है कि आप मान रख लीजिए, मान देखिए किस प्रकार से, टेन 60 है तो टेन 60 का मान लगा लीजिए। देखिए टेन 60 का है अंडर रूट 3, तो सीधे सीधे आप रख लो यहाँ अंडर रूट 3 माइनस टेन 30 है तो बेटे टेन 30 का जो मान है वो है 1 बटे अंडर रूट 3, तो 1 बटे अंडर रूट 3। इस प्रकार से भी आप इसे बना सकते हो, 1 प्लस टेन 60 का आपने रखा ये अंडर रूट 3 माइनस टेन 30 का रखा 1 बटे अंडर रूट 3। जब इसे देखिए सॉल्व करोगे आप आगे तो ये बेटा हो जाता है 1 बटे रूट 3 हो जाएगा ये, और 1 बटे रूट 3 किसका मान है बेटा, टेन 30 का, किसका मान है, टेन 30 का। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है वो बहुत सिंपली है, उसे सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से, ये देखो लगाओगे आप बेटा टेन ए माइनस बी बराबर कर लोगे आप सीधे टेन ए इन माइनस टेन बी, पूरे का अपॉन कर लीजिए। इसके बाद सीधे कर लेना आप 1 प्लस टेन ए और टेन बी, ये अब सीधे सीधे हम बात करें। देखिए टेन ए की जगह, यानी हम रख सकते हैं बेटा टेन ए की जगह कितना रख लें, टेन ए की जगह रख ले रहे हैं 60 और हम टेन बी की जगह रख ले रहे हैं 30, ठीक है? तो आप समझिए इसे, देखिए अब सीधे सीधे हम कर सकते हैं। देखिए टेन 30 कितना, टेन 30 ही तो है ये, टेन 30 ये सिद्ध करना था, इसके बराबर इतना करना है हमें, इसके बराबर इतना करना है। तो देखिए टेन 30 बराबर हम क्या कर सकते हैं, टेन ए की जगह कितना आ जाएगा, टेन 60, टेन 60 माइनस टेन 30 1 प्लस टेन 60 और टेन 30। इस प्रकार से भी बेटे आप क्वेश्चन को सॉल्व इसे कर सकते हो, ठीक है? ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है। चलते हैं बेटे दूसरे क्वेश्चन की ओर, यानी 12वां क्वेश्चन। चलिए बेटे 12वें क्वेश्चन को समझिए आराम से, बड़े आराम से क्वेश्चन को समझिए। देखिए 12वां क्वेश्चन है आपका, वो है बेटे साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर
45 डिग्री, पूरे का लगाना है आपको अपॉन, ये हो जाया है आपका टेन स्क्वायर 60 डिग्री और बराबर 1/3। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना बेटा, सीधे सीधे आपको क्या लगा देना है, मान लगा देना है। देखिए साइन 45, तो आप क्या करना है, देखिए एक लाइन, चलिए मैं और बढ़ा दे रहा हूँ इसमें सीधे, यानी साइन ये होल है ना, साइन स्क्वायर है, तो सीधे सीधे हम कर सकते हैं साइन 45 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 का होल स्क्वायर अपॉन कर सकते हैं बेटे हम टेन 60 का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं। अब सीधे सीधे हम वैल्यू लगा लेंगे। देखिए बेटा साइन 45, साइन 45 का 1/√2, आप रख लो बेटा 1/√2 का कर लो अब होल स्क्वायर प्लस कॉस 45, कॉस 45 का भी 1/√2, तो 1/√2 इसका भी कर लो बेटा आप होल स्क्वायर अपॉन पूरे का बटे लगा लो टेन 60। तो बेटे टेन 60 का मान देख लीजिए, टेन 60 का है 3, तो आप सीधे सीधे कर लीजिए आप 3 का कर लो आप होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपका ये बन गया बेटे 1/2। अब √2 की गुणा करोगे तो बेटा 2 आएगा। सपोज दैट इस प्रकार से समझिए, √2 × √2 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 1 का 1 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा 1/2, तो ये आ गया प्लस 1/2 है तो 2 का √2 का तो 2 ही आएगा, तो बेटा 1/2 ये आ गया, √3 का आ जाएगा आपका 3, ये आ गया। अब आपने देखा इसमें, देखिए हर बेटे इसमें समान है, क्या है हर समान है, तो सीधे सीधे क्या करोगे अंश अंश को जोड़ लो 1 + 1 और 2 से कर दो नीचे आप मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा आपका 2 × 3। अब 1 1 कितना हुआ बेटे 2 और 2 3 कितना हुआ 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी सिद्ध होके कितना आ गया 1/3 और हमें 1/3 ही लाना था। क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, देखिए एक बार फिर समझा देता हूँ। साइन 45, बेटे साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर कर लिया प्लस कॉस 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी हो गया होल स्क्वायर। टेन 60, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, इसका होता है होल स्क्वायर। √2 की गुणा करोगे आप तो √2 आएगा, यानी 1 × 1 और √2 की 2, तो 1/2 इसका हो जाएगा अपॉन √3, √3 का होल स्क्वायर है करोगे, √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। इसके इसके देखिए अंश समान है, ये अंश समान है तो हमने इसे क्या कर लिया जोड़ लिया, 1 1 2 हो जाएगा और इसके हर में कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 3 = 6। अब 2/6, 2 × 2 और 2 × 3 = 6, 1/3 ये सॉल्व आपका हो गया। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे 13वां क्वेश्चन समझिए आप। देखिए 13वां क्वेश्चन आपकी बेटा स्क्रीन पर है, 13वां क्वेश्चन है साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/3, सिद्ध करके लाना है 1 सही 1/2, ये बेटे आपको लेके आना है सिद्ध करके, ठीक है। अब हम इसे क्या कर लें, इसे बेटा चेंज कर लो आप, ये आपका हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा आपका 30 डिग्री प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर π/4 का, इसकी जगह आ जाएगा 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा π/3 की जगह कितना 60, ये आपका बन गया। आपको करना क्या है, देखिए साइन स्क्वायर है, साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, आप यहाँ 1/2 रख दो और साइन का होल स्क्वायर है तो इसे कर लो होल स्क्वायर प्लस साइन 45, साइन 45 का 1/√2, तो बेटा 1/√2 इसका भी होल स्क्वायर कर लो, होल स्क्वायर है तो साइन का होल स्क्वायर प्लस साइन 60, साइन 60 का देखिए वैल्यू है √3/2, इसका भी कर लो आप होल स्क्वायर। समझो बेटा देखिए 1/2 है तो 1 × 1 = 2 × 4, बेटे ये तो आ गया 1/4 प्लस √2 का 2 रहता है तो इसका हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस
आगे समझिए, अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन का कितना होता है बेटे तीन, और दो दूनी कितना हो जाएगा चार, ये तो आ गया चार। अब आपको करना क्या है, आप ले लीजिए बेटा एलसीएम, हम ले लेंगे इसमें एलसीएम ले लिया हमने चार। अब देखिए चार एकम कितना होता है बेटा चार, एक, एक एकम कितना हुआ एक, और दो दूनी कितना होता है चार, और दो एकम कितना हुआ बेटे दो, प्लस चार एकम कितना होता है चार, और एक तीनिया कितना होता है बेटा तीन। ये आ गया आपका देखिए तीन दो पाँच और एक छः, ये हो गया बेटा आपका छः बटे कितना हुआ चार। अब आप दो से डिवाइड कर दीजिए, दो तीनिया छः, दो दूनी चार, ये बेटे आया आपका तीन बटे दो। अब आप करोगे क्या, तीन को कर दीजिए भाग, देखिए तीन को जब आप करोगे दो से भाग तो दो एकम दो, बचा आपका एक, ये बेटा जाएगा आपका सही में जाएगा, और नीचे वाला जाता है हर में, और ये जाता है बेटा अंश में। तो देखो एक सही कितना हो गया, एक सही आपका, एक सही एक बटे दो, यही बेटा आपको यहाँ पे देखो सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए बेटे चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए बेटे अब समझेंगे हम चौदहवें क्वेश्चन के लिए। बेटा वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। इससे बेटा हमें ये पता चलेगा कि जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो आपके कितना समझ में आ रहा है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका दे रखा है बुक के अंदर चौदहवें नंबर पर, टेन स्क्वायर पाई बटे तीन। इस बार हमें सिद्ध करना है बेटे चार सही एक बटा तीन, ये हमें सिद्ध करना है, आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए बेटे ये बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर पाई बटे सिक्स, तो ये हो जाएगा बेटा थर्टी डिग्री, प्लस टेन पैंतालीस, प्लस टेन स्क्वायर साठ डिग्री। अब आप समझिए इसे, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है सिर्फ वैल्यू लगा देना है। टेन तीस, बेटा टेन तीस की वैल्यू देखो एक बटे रूट तीन, आपने लगा दी एक बटे रूट तीन, इसका कर लो आप होल स्क्वायर, प्लस टेन पैंतालीस, टेन पैंतालीस का है एक, तो बेटा एक का कर लिया आपने होल स्क्वायर। टेन साठ, तो टेन साठ का है अंडर रूट तीन, बेटे अंडर रूट तीन का कर लिया आपने होल स्क्वायर। फिर आपने सॉल्व करा एक बटे अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन का हो जाएगा तीन, प्लस एक एकम एक, प्लस ये हो जाएगा बेटा आपका अंडर रूट तीन का हो जाएगा तीन, तो बेटे ये आया एक बटे तीन, प्लस तीन और एक चार। ठीक है, तो सीधे सीधे आपका क्या बन गया, ये सीधे सीधे हो गया आपका बेटा, ये हो गया सीधे सीधे चार सही, एक मिनट इसे यहीं पे समाप्त कर दो, इसे बेटे आप यहीं पे बना सकते हो, ये हो गया आपका तीन और एक, ये चार है ना, तो सीधे सीधे लिख सकते हो चार सही एक बटा तीन, क्लियर, क्योंकि ये प्लस फॉर्म में है, तो यहाँ पे प्लस प्लस का ही साइन समझ लो आप, यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस प्रकार से बेटा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को दो, वीडियो को बेटा दो से तीन बार देखोगे तो आराम से सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपका है स्क्रीन पे देखिए पंद्रहवा, पंद्रहवा क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, इसे आराम से सॉल्व करिए आप। देखिए साइन साठ दे रखा है, कितना साइन साठ इंटू टेन तीस, बेटे इंटू में दे रखा है टेन कितना तीस डिग्री, इंटू में फिर दे रखा है कॉस पैंतालीस, कितना कॉस पैंतालीस डिग्री, इसके क्या निकलवा रहा है बेटा मान ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं आराम से बन जाएगा। साइन साठ, देखिए साइन साठ की वैल्यू होती है अंडर रूट तीन बटे दो, अंडर रूट तीन बटे बेटे दो कर लो, इंटू टेन तीस, देखो टेन तीस की वैल्यू बेटा होती है एक बटे रूट तीन, एक बटे रूट तीन, इंटू कॉस पैंतालीस, कॉस पैंतालीस की वैल्यू होती है एक बटे रूट दो, एक बटे रूट दो। अब समझ लो बेटा आप क्या क्या कट रहा है इसमें, ये देख लो आप,
देखो एक तो आपका ये कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। अब सीधा सीधा आप लिख सकते हो, देखो दो ये बचा, एक बटे रूट दो ये बचा, तो आप बेटे सीधे सीधे इसे लिख सकते हो, यानी एक बटे दो रूट दो आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये बेटा आएगा इसका। अब हम चलते हैं बेटे आगे की ओर, देखते हैं सोलहवें क्वेश्चन का को सॉल्व करेंगे, सोलहवा क्वेश्चन आगे क्या है। चलिए बेटे करते हैं सोलहवें क्वेश्चन को सॉल्व। ये देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पे सोलहवा क्वेश्चन, सोलहवा क्वेश्चन देखिए बेटे दे रखा है 2 sin 60 degree cot 30 minus 2 sec² 45 प्लस 3 cos 60 tan² 45। ये इधर कर दे रहा हूँ बेटा, tan² 45 degree माइनस tan 60 degree, ये दे रखा है, क्योंकि हमें तो बेटे मान निकालने हैं। तो देखिए इसे सॉल्व करिए आप, ये 2 की जगह 2 रख लो, sin 60 की जगह देखो मान रख लो अंडर रूट 3/2। तो सीधे सीधे कर सकते हो अंडर रूट 3/2। cot 30 को जल्दी से देखो, cot 30 का कितना है, cot 30 का है अंडर रूट 3। इसके बाद यह देखो माइनस का साइन है, तो आप भी माइनस का साइन लगा लीजिए, 2 है तो 2। cos² 45 तो cos 45 का मान देख लीजिए, cos 45 1/√2, तो 1/√2 का मतलब कर ले रहे हैं हम 2 का होल स्क्वायर, सीधे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद देखिए प्लस लगाए तो प्लस, 3 लगाए 3, cos 60 है, cos 60 की वैल्यू देखिए 1/√2 है, तो इंटू में कर लगाओगे आप 1/2। इसके बाद देखिए tan² 45, तो tan 45 की वैल्यू है 1, कितनी है 1, तो इंटू में हो जाएगा बेटा 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप माइनस दिया है देखिए, तो आप माइनस लगा लीजिए, tan 60 की वैल्यू है √3, तो आप √3 लिख दीजिए, ठीक है। एक मिनट चेक करता हूँ, tan² तो नहीं है क्वेश्चन में, एक मिनट, सोलमा, हाँ tan² है बेटा, ये क्या है tan², ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा बेटे, होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन को बनाइए आप, अब आप क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, देखिए बेटे ये तो हो गया समाप्त, ठीक है, अंडर रूट तीन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 माइनस, अब ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हो जाएगा 2। अब इसका जब 2 हो जाएगा तो आप देखोगे 2 हो जाएगा 4, काय का माइनस का, माइनस का हो गया 4। अब आप करोगे क्या, देखिए ये हो गया बेटा 1 एकम 1 और 3 एकम 3, तो ये तो हो जाएगा पूरा, इतना देखिए इतना पूरा सॉल्व करोगे तो 1 एकम 1 1 एकम 1 3 एकम 3, यानी 3/2, प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 3/2। इसके बाद माइनस है तो माइनस अंडर रूट तीन की जब गुणा करोगे दो बार तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे इसे बेटा करोगे आप सॉल्व, देखिए किस प्रकार से सॉल्व करोगे आप, आगे इसे समझिए आप, बड़ा आराम से इसकी कैलकुलेशन को करते हैं। चलिए बेटे इसकी कैलकुलेशन को आराम से बनाइए आप, देखिए बेटे ये 4 माइनस के हैं और ये 3 माइनस के हैं, यानी इसे हम जोड़ लेंगे, 4 और 3 कितने हुए बेटे 7, 7 में से प्लस के 3 घटा दीजिए, तो माइनस के कितने बच्चे बेटा, 4 3 7 में से 4 गया तो माइनस के आपके बच्चे 4, प्लस 3/2 हो गया 2। अब आप करना क्या है आपको, देखिए 4 दूनी होता है 8, 8 में से 8 ये किसका है, माइनस का, माइनस के में से 8, प्लस के 3 घटा दीजिए तो माइनस का कितना बचेगा आपका 5/2। अब जैसे ही आप 5 को भाग दोगे कितने से, 2 से, तो बेटे 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सही 1/2 आ जाएगा, कितना माइनस का 2 सही 1/2। ये बेटा आपको
आपका आंसर है ई आ रहा है। क्लियर, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ एक से दो बार वीडियो को देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे चलते हैं सत्रहवें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सत्रहवा आपकी बेटे स्क्रीन पर। सत्रहवा क्वेश्चन समझिए, सत्रहवा क्वेश्चन है 4 sin² 30° + 10² 60° + sec² 45°। ये बेटा आपका क्वेश्चन है, तो इसे भी आराम से बना लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए बेटे, 4 की जगह आप 4 रख लीजिए, साइन 30 की वैल्यू देख लीजिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब 1/2 को कर लो बेटा होल स्क्वायर, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है। अब यहाँ प्लस लगाए तो आप यहाँ पे बेटे प्लस लगा दो। टेन 60 की वैल्यू आप देख लो कितनी है, टेन 60 है, टेन 60 की है √3। अब आप क्या करोगे, √3 है तो √3 लिख दो, टेन स्क्वायर है तो इसकी जगह बेटा आप स्क्वायर कर दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब ये है sec स्क्वायर, ये क्या है बेटा, sec स्क्वायर है। sec 45 की वैल्यू देख लीजिए, sec 45 की वैल्यू है √2। आपने यहाँ √2 लिखा, स्क्वायर है sec, तो आप भी इसे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। समझ गया आराम से। अब आपको करना क्या, देखिए 4 की जगह आप 4 रख लो, 1/2 तो बेटा 1 की जगह 1 रहेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया 1/4 प्लस √3। √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये 3 हो जाएगा। अब प्लस लगाए तो प्लस, √2 और √2 की जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2। तो सीधे सीधे इसे आप डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो गया 3, 2, 5, 3 और 2, 5। सीधे सीधे इसका आंसर कितना आता, सॉरी 3, 2, 5 और 1, 6, इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 आता होगा। ठीक है, क्योंकि आपका कितना बना, ये 1 + 3 + 2, तो 2, 3, 5 और 1, 6, इसका आंसर बेटे चेक करो, 6 आता होगा आराम से। ठीक है, आराम से वीडियो को देखो, आप क्वेश्चन बनाना आराम से सीख जाओगे, कोई भी बेटा परेशानी नहीं होगी। चलते हैं बेटे आगे की ओर, 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। चलिए बेटे 18वें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। 18वां क्वेश्चन बड़ा प्यार से आपको समझाएंगे, आराम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, पहले है कौशिक, क्या है, कौशिक स्क्वायर 45° - sin² sec² 45° बेटा इसमें हमें सिद्ध करवा रहा है, वो कह रहा है सिद्ध करो, कोई बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आराम से हम इसे सिद्ध कर देंगे। देखिए अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, देखिए एक पार्ट ले रहे हैं इधर वाला। देखिए बेटे, यानी कौशिक स्क्वायर 45° - 1। अब मुझे ये बताओ, देखिए कौशिक जो 45 है इसका मान कितना है, कौशिक 45 का मान है √2। अब हम क्या करेंगे इसे, देखिए √2 और ये स्क्वायर है तो इसकी जगह कर देंगे स्क्वायर, √2² हो गया, माइनस का 1 है तो माइनस का 1। आप सॉल्व करोगे √2 की गुणा करोगे तो आएगा 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 1। समझ में आ रही बात, बिल्कुल। अब देखिए इस वाले पक्ष को आप सॉल्व कर लीजिए, अब ये वाला पक्ष उठाइए, देखो बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45° दिया है इंटू sec स्क्वायर 45°, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है आराम से। अब आपको करना क्या है, देखिए इस वाले को जब सॉल्व करोगे तो साइन 45, देखिए बेटे साइन 45 का मान, साइन 45 का मान है 1/√2, 1/√2, अब ये स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दो, इंटू sec 45, sec 45 की वैल्यू है √2, आपने यहाँ रख दी √2, इसका कर दिया होल स्क्वायर। इसे बेटा सॉल्व करा तो 1 + 1 और √2 की मल्टीप्लाई करी तो कितनी हो जाएगी 2, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई और इसका मतलब 2, इसका मतलब √2 का √2, 2 + 1 कितना हुआ 2 और 1 + 1 कितना आया बेटा 1 * 1 = कितना हुआ 1।
यानी यही तो बेटा हमें सिद्ध करना था, दोनों पक्ष आमने सामने कैसे हैं, ये बराबर रखे हैं, बिल्कुल बराबर। ठीक है, अब हमने बराबर सॉल्व कर लिया। जब हमने इस वाले पक्ष को सॉल्व करा तो हमारा आंसर एक मिला, और हमने जब इधर वाले पक्ष को सॉल्व करा तो हमारा आंसर ये मिला। इसका मतलब हमारा सिद्ध करा हुआ जो है वो सही है। तो आप नीचे भी वैसी उतार दो, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री। बेटे आपके समझ में आ गया होगा, या दोबारा से समझाएं, समझ में आ गया होगा ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। चलिए बेटे करते हैं सॉल्व 19वां क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब 19वें क्वेश्चन में देखिए दे रखा है यदि, पूरा क्वेश्चन मैं आपको लिख के बताऊंगा। यदि देखिए थीटा बराबर दिया है 45 डिग्री, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध पहले नंबर पे क्या करना है, यानी साइन 2 थीटा बराबर 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। पहले नंबर पे हमें ये सिद्ध करना है। तो बेटा पहले नंबर पे हम ये वाला सिद्ध करेंगे, फिर दूसरा जो क्वेश्चन है इसका वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन को समझिए आप। देखिए हम दाया पक्ष पहले लिख ले रहे हैं, देखो बेटा हम लिख ले रहे हैं पहले दाया पक्ष, दाया पक्ष हमने लिख लिया। देखिए ये बेटा दिया है इसने 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यही तो दिया है। अब आपने देखा, देखिए बेटे 2 की जगह तो आपने 2 लिखा और टैन की जगह लिखा टैन, और थीटा की वैल्यू कितनी दी है 45, तो थीटा की जगह हम कितना लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 1 प्लस, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर है तो इसमें तो कोई भी कुछ नहीं होगा, टैन स्क्वायर थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी दी है 45, तो बेटा आपने यहाँ रख दिया 45। अब कुछ नहीं है, सिंपली हम क्या लगा लेंगे बेटे, मान लगा लेंगे। देखिए 2 टैन 45 है ना, तो सीधे सीधे 2 की जगह तो 2 रहेगा, टैन 45 बेटे, टैन 45 की वैल्यू देखिए, टैन 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ रख लो आप 1, यहाँ है 1 प्लस टैन स्क्वायर 45, तो बेटा टैन 45 की वैल्यू वही 1, तो आपने यहाँ रख लिया 1, 1 का हो गया होल स्क्वायर, 2 एकम कितना हुआ बेटा 2, और ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1, यानी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, और 1 कितना हुआ 2, 2 एकम 2, ये आया बेटा 1 आ गया। अब आपको इसे आगे बढ़ाना है, देखिए अब समझिए क्वेश्चन। एक वैल्यू है अब आपकी, सीधे सीधे साइन 90 में चेंज करते हैं, साइन तो है ही, साइन 90 में ही जाएगा, क्योंकि जो एक वैल्यू है, एक आया है निकल के किसकी है 90, साइन 90 की, तो सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे आप लिखोगे साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 को तोड़ोगे कैसे, देखो तोड़ना भी सीखो बेटा, साइन 90 को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा साइन 2 और 45, ये बेटा टूट गया, 45 दूनी कितना होता है 90, साइन 90 को आप इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हो। अब आगे क्या लिखोगे देखो, समझो बेटा, देखिए आगे साइन 2 है, साइन 2 है और थीटा, तो 45 की जगह क्या है बेटा थीटा, तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हो आप 45 की जगह क्या लिख सकते हो थीटा, तो ये क्या आया साइन 2 थीटा, 2 थीटा क्या आ गया बायां पक्ष, बायां पक्ष, यही बेटा हमें सिद्ध करना था। देखिए यही तो सिद्ध करना था साइन 2 थीटा, और यही बेटा हमारा आ गया साइन 2 थीटा। तो आराम से आपके समझ में आ गया होगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, परेशानी होती हो बेटा तो एक दो बार आराम से वीडियो को देखना, बार बार हमेशा हमेशा के लिए आपको क्वेश्चन लगाना, आप आराम से सीख जाएंगे। चलते हैं बेटा आगे की ओर, अगला देखते हैं इसका 19 का पार्ट 2 क्या है। चलिए बेटा पार्ट 2 समझिए 19 का। तो बेटा 19 की एक लाइन मैंने गलत मिटा दी, देखिए ये तो वही लिखनी थी, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध क्या करना है, सेकंड वाले में बेटा आपको सिद्ध करना है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। क्लियर? अब देखिए इसे आराम से कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत ही सिंपली है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप सीधे लिखिए बेटा दायां पक्ष, आप दायां पक्ष को उतार लीजिए, यानी वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। समझिए, एक की जगह एक रख दो टेन, अब टेन स्क्वायर है तो माइनस टेन स्क्वायर तो यही रहेगा। देखिए थीटा है, थीटा की जगह आप कितना रख दोगे, थीटा बराबर 45, तो बेटा यहाँ 45 रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वन प्लस टेन स्क्वायर तो आराम से लिख दो यहाँ पे टेन स्क्वायर, ठीक है, और थीटा की जगह कितना है, थीटा 45, तो बेटा यहाँ 45 बन गया क्वेश्चन। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू लगा देनी है इसमें। देखिए वन माइनस टेन 45, बेटा देखो टेन 45 एक आया, स्क्वायर है तो एक का क्या कर दो आप, होल स्क्वायर, माइनस वन है तो वन, प्लस है तो प्लस लगा दो, टेन 45 का वन है तो वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखो बेटा एक माइनस एक अपॉन एक प्लस एक कितना हुआ, एक में से एक जाएगा जीरो, एक में से एक गया जीरो, एक एक दो, दो से जब जीरो को भाग दोगे तो जीरो आपका हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये हो गया आपका जीरो। फिर आपको क्या करना है भाई, जीरो किसकी वैल्यू, सीधे सीधे कॉस 90, कॉस 90 तो यहाँ सीधे सीधे आप लिख लो, क्या लिखोगे बेटा, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 को कैसे तोड़ोगे, तोड़ना मैंने आपको सिखा दिया, सीधे सीधे कॉस 245 डिग्री, ये हो गया 45 दूरी 90, कॉस 90, कॉस 90 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे आपका क्या बन गया, देखिए बन गया आपका बेटा कॉस 245, 45 की जगह कितना थीटा, तो 45 की जगह कितना लिख दिया हमने बेटा, थीटा लिख दिया। अब देखिए सीधे सीधे लिख सकते हो बायां पक्ष, ये सिद्ध हमने कर दिया बेटा, बायां पक्ष सिद्ध कर दिया। अब यही बेटा देखिए कॉस 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, यही बेटा आपको सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था। तो देखिए बेटे इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 11 अब फिनिश होती है, सॉरी प्रश्नावली 10, प्रश्नावली 10 जो है आपकी भारत भारती प्रकाशन की थी। 19 क्वेश्चन बेटा इस एक्सरसाइज में थे, 19 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, देखिए बेटे मेरे चैनल पे आपको 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स, मैथ और बॉटनी तीनों सब्जेक्ट बड़े आराम से बहुत ही सहूलियत के साथ कंप्लीट कराए जाएंगे। देखिए बेटे बॉटनी हम पढ़ चुके हैं, बॉटनी का जो सिलेबस है टोटल जो 2020-21 का है वो टोटल हम पढ़ चुके हैं बॉटनी का, ठीक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ से आप बॉटनी को कम्प्लीट करिए। अब रही मैथ की बात, तो मैथ लगभग 60% मैथ आपका हो चुका, 40% रह गया, तो बहुत जल्दी हम धीरे धीरे आराम से आपका मैथ भी कंप्लीट करा देंगे और इसके बाद स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को। तो बेटा मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को बेटे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करके रखिए। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।